नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, बिहार में कल से सैयद मुश्ताक अली का ट्रायल मैच शुरू हुआ। हालांकि ट्रायल मैच शुरू होने से पहले बीसीए को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वजह यह थी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रायल मैच के लिए जिन खिलाड़ियों को चुना गया था, लोगों का कहना था कि इसमें कई ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया गया है जिन्होंने ट्रायल भी नहीं दिया था, और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और वो जगह डिजर्व नहीं करते। और दोस्तों, इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि कई शानदार प्लेयर्स जिन्होंने बीते दिनों बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। हालांकि पहला मैच रद्द होने के बाद दूसरा मैच खेला गया, लेकिन अब कुछ खिलाड़ियों ने बीसीए पर बड़ा आरोप लगाया है और इस बारे में आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक कमाल की क्रिकेट लीग खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से IYCL के लिए खुद को रजिस्टर करें। वहाँ पे दोस्तों, अगर आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। गाइस, कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के दो खिलाड़ियों ने एक वीडियो बनाकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर बड़ा आरोप लगाया है। खिलाड़ियों का कहना है कि बीसीए प्लेयर्स से 10 लाख रुपए के आसपास लेकर टीम में चयन करता है। दोस्तों, इस खिलाड़ी ने बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह और चेयरमैन सौरव गांगुली से सेलेक्टर्स भेजने की भी गुहार लगाई है। निश्चित ही बीसीए पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। जहां बीसीए से खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, वहीं बिहार के क्रिकेट समर्थक भी मुश्ताक अली ट्रायल की लाइव स्कोरिंग शेयर नहीं करने से कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को लेकर बीसीए को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर लाइव स्कोर दिखाया जाएगा तो बीसीए बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर बाकी चीज़ों को छोड़ भी दें तो मुझे ऐसा लगता है कि बीसीए को लाइव स्कोर जरूर शेयर करनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।